ऋषियों की मुनियों की एक विशेष धर्म चर्चा की। उस चर्चा में वो जा रहा था, अचानक नारद जी बीच में मिल गए। नारद जी प्रणाम, आयुष्मान भव, नारायण नारायण। अरे सुकंत कहाँ जा रहे हो? प्रभु मैं भी आज उस सभा में जा रहा हूँ। अरे सुनो सुकंत, सब संतों को नमस्कार करना, जी आपने सिखाया है, आपके दिए संस्कार हैं। ऐसा कहकर चल चल पड़ा, कुछ दूर चला। अरे सुकंत सुनो, महात्मा को प्रणाम नहीं करना। क्यों? और किसको प्रणाम ना करो? अरे वो पहले महात्मा नहीं थे, कल का महात्मा ही बने हैं वो, उनको नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। अब नारद जी की बड़ी विचित्र महिमा। जी नारद जी कौन है वो? उनका नाम विश्वामित्र है। जी जी अच्छा नहीं करूंगा। अब सभा में पहुंचे, सबको प्रणाम किया, लेकिन एक विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। एक बात आपसे कहूं साहब, अगर किसी की प्रशंसा करनी हो तो मंच के माध्यम से करना, जनता के मध्य में करना। मंच के माध्यम से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। समाज में किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं होता किसी को। समाज में हुआ अपमान मृत्यु पीड़ा पहुंचाता है, मृत्यु दुख पहुंचाता है। और किसी की प्रशंसा करनी हो तो मंच के माध्यम से करना, और किसी की बुराई करनी हो तो उसके घर में जाकर व्यक्तिगत बोल देना, ये आपने कमी है, वो सुधार लाएगा। लेकिन मंच पर आज अपमान हुआ विश्वामित्र जी का। सभा संपन्न हुई, सब अपने अपने घर। विश्वामित्र सीधे अयोध्या में। राम 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 राम। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अभी राम विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण राम सोएंगे तो यही होगा, संतों का अपमान, संस्कृति का अपमान, संस्कारों का अपमान। बार बार राम जी की आंखें खुली, अरे ये तो पूज्य पाठ गुरु जी की आवाज है, जल्दी आए। गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र जी क्या हुआ? अरे राम तुम सोओगे तो ये सब कुछ होगा ना, आज संस्कृति का अपमान हो गया है, संस्कार का अपमान हो गया है। राम को लगा अगर ये सत्य है तो मैं आज राम, मैं दासरथिया राम, मैं दशरथ नंदन राम, आज संकल्प लेता हूं गुरु जी, कल का सूर्य सुगंध को उदय तो होगा लेकिन छिपेगा नहीं। संकल्प ले लिया राम, मुझे आपसे यही विश्वास था। ये बात सुकंत को पता चल गया। पहले तो नारद जी अपने आप आ गए थे, अब ढूंढने से नहीं मिलते नारद जी। बहुत प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से नारद जी मिले। नारद जी मैं तो समस्याओं में उलझ गया हूं। उन्होंने कहा समस्या है तो समाधान भी तो होगा। अरे अरे नारद जी आपको नहीं पता मेरा मरना निश्चित है। नारद जी ने कहा तो दुनिया में अमर कौन आया? आया है सो जाएगा, हजार रंग रखी। अरे मुझे राम जी मारेंगे। नारद जी ने कहा वाह, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती, राम जी मारे तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी विनोद करने का समय नहीं है, सच बताओ मुझे, मैं कैसे बच सकता हूँ? सुनो बुद्ध को सामने गुफा है, उस गुफा में अंजना माँ रहती है, वो तुम्हें बचा सकता है, जाओ जाओ। अब महाराज सुकंत अंजना माँ के आश्रम में रोने लगे। अंजना ने कहा रो मत बेटा, मुझे बताओ। बोले मुझे किसी ने मारने का संकल्प ले लिया है। कौन है वो? विश्वामित्र। तो चिंता मत करो, मुझसे क्या चाहते हो? माँ मेरे रक्षा करो, जा हम तुझे वचन देते हैं
तुझे मरने नहीं। सुकंठ को कुटिया के अंदर बैठा दिया, अब माता बाहर बैठी। सायकाल में हनुमान जी आए। आयु विद्या यश और बल ये प्रणाम करने से मिलते हैं। हनुमान जी आए, अपने कहते हैं पंजाबी में पैरी पहने आकर नमस्कार किया। माँ उदास क्यों हो? बेटा हनुमान मुझे एक वचन दो। माँ क्या कह रही है? हाँ मुझे वचन दो, किसी के प्राण बचाने ही। बोले माँ तेरे चरणों की सुगंध खाकर कहता हूं मैं कि आज उसको बचाऊंगा, मरने नहीं दूंगा। तभी सुकंत बाहर आओ। सुकंत बाहर आया, हनुमान जी ने कहा क्या बात है? बोले मुझे किसी ने मारने का संकल्प लिया। किसने? बोले राम ने। हनुमान जी के तो हो सुनो, राम ने मारने का संकल्प लिया है। अंजना ने कहा तू तो कह रहा था विश्वामित्र ने। बोले नहीं, वो विश्वामित्र तो मरवाना चाहते, मानना तो राम ही चाहते। हनुमान ने कहा माँ तेरे चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूं मैं इसकी रक्षा करूंगा। सुबह सुबह हनुमान जी अयोध्या पहुंचे, सारी सेनाएं तैयार हैं, राम जी तैयार हैं। प्रभु आज बोले सुगंध का चढ़ाई कर रही। उसने बहुत कुछ संस्कृति का संस्कारों का अपमान किया है, आसान समाज। प्रभु उसको नहीं मारना। अरे हनुमान मैं गुरुदेव को वचन दे चुका हूँ। बोले मैं माँ को वचन दे चुका हूँ। तुम तो गुरुदेव को वचन दे चुके, मैं माँ को वचन दे चुका हूँ, मुझे बचाना है उसको। बोले मुझे मारना है तो प्रभु इस और सेवा आमना सामने खड़े हो जाएंगे। बोले कुछ भी ठीक है प्रभु। अब हनुमान जी वापसी आ गए, सुकंत को अपने पीछे बैठा लिया। सुकंत राम राम रहो, राम राम राम। और आगे हनुमान जी भी राम राम राम। इतने में राम जी की सेना, अब महाराज राम जी की सेना को देखकर हनुमान जी ने भाव में रो पड़े। आज मुझे प्रभु के सामने, और सुकंत भी रोने लगा। दोनों में अंतर था, राम को देखकर हनुमान जी भाव में रो रहे थे और सुकंत भय के मारे रो रहा था। रो दोनों रहे थे, एक में भय छिपाता एक में भाव छिपाता। अस्तभी भाई बहनों सामने आए, राम जी ने तर्क से बाण निकाला, अनुसंधान किया। और जैसे अनुसंधान किया राम जी का बाण चला, हनुमान जी के पास आया। राम के नाम का चक्र इतनी तेज चल रहा था उसका छेदन ना कर सका, तो वापसी रुक गया। दूसरा बाण छोड़ा तो तीसरा बाण मेरे प्रभु राम छोड़ रहे थे तो एक दिशा में लखनलाल खड़े थे। लखनलाल ने कहा हनुमान तेरी इतनी हिम्मत, तू प्रभु का सामना करता है? इधर से महाराज लखनलाल ने अनुसंधान जैसे बाण छोड़ा मेरे हनुमान जी के सीने में जाकर हनुमान जी गिर पड़े। इधर हनुमान जी गिरे, उधर राम जी गिर पड़े। लखनलाल ने देखा ये क्या हो रहा, फिर राम जी के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु ये क्या हुआ? देखा तो राम व्याकुल थे। लखनलाल आपको पता है ना, जब जब हमें एक एक मोती का हार लंकेश भीमसेन ने दिया था, हाँ फिर वो हमने हनुमान जी को दे दिया था। हनुमान जी उसको मोतियों को तोड़ तोड़ कर देख रहे थे तो लंकेश ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? बोले मैं देख रहा हूँ माला के मोती में मेरे राम जी हैं कि नहीं है, और जिस मोती में मेरे राम नहीं है वो मोती मेरे काम इसलिए तोड़ रहा हूं। क्रोध में आकर लंकेश ने कहा था तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है? और भावुक हो गए थे हनुमान जी। उसी समय उन्होंने भरी सभा में अपने हृदय में सीताराम जी का दर्शन करा दिया था। जानते हो ना लखन,
तब से आज तक मैं मेरे हनुमान के सीने में बैठा हूँ। तूने जो बाण मारा हनुमान को नहीं लगा, बाण मुझे लगा। तभी दौड़े दौड़े लखन हनुमान के पास, आओ प्रभु के पास। और जैसे बैठे राम जी ने हनुमान के सिर पर हाथ रखा, पूछा पीड़ा कम हुई, फिर हाथ रखा नेत्र बंद किए, पीड़ा कम हुई। हनुमान जी बार बार कह रहे थे हाँ पीड़ा बहुत कम हो गई है। जब तीसरी बार प्रभु ने हाथ उठाया और आंख बंद करके हाथ रखने लगे तो हनुमान जी ने अपना सर हटा लिया और सुगंध का सर आगे बढ़ा दिया और सुगंध के सर पर राम जी का हाथ। राम जी ने पूछा कैसा लग रहा है, आराम है? सुगंध ने कहा प्रभु जिसके सर पर आपका हाथ होगा आराम आराम ही आराम होगा, उसे कहां तकलीफ हो सकती है। और जैसे नेत्र खोल कर देखा उधर से विश्वामित्र जी आ गए, उधर से विश्वामित्र जी आ गए। प्रभु राम हम संतों का मकसद संहार नहीं है, सुधार है, ये सुधर गया, छोड़ो इसको प्रभु। और जैसे कहा रे सुकर तू एक बात बता, तू ये पाठ तुझे पढ़ाया किसने का कि संतों को नमस्कार नहीं करते। सुकंद नारद जी का नाम लेने वाला ही था, अचानक नारायण नारायण करते नारद जी आ गए। प्रभु अब प्रभु मैं बताता हूँ सारी कथा। अरे नारद जी इसमें कोई आपकी महिमा थी क्या? मेरी महिमा नहीं थी, मैं तो मृत्यु लोक में जाता, लोग मुझसे यही पूछते थे बताओ परमात्मा बड़े हैं कि परमात्मा का नाम बड़ा है। मैंने तो ये भी जान पाया प्रभु, लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, प्रभु मैं जान नहीं पाया हूँ। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा अरे भैया वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा और वही राम सब जग से वो एक ही है। लेकिन नारद जी कहना क्या चाहते हो? बस यही कहना चाहता था आज मैंने ये संकल्प लिया था कि दुनिया को बता दूं राम के सामने क्या राम का नाम बलवान हो सकता है, क्या राम अपने नाम के सामने परास्त हो सकते हैं। तो प्रभु आज पता चल गया, मैं देख रहा था अंत में निकला यही परिणाम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम से बड़ा राम का नाम। प्रभु आज पता चल गया आपका नाम आपसे आगे निकल गया। मेरे कहने का भाव है भगवान जामुन जी की शब्दों का सार है कि सबसे बड़ा कोई तीर्थ है तो परमात्मा का नाम है, जो नाम रूपी तीर्थ में नहाता है उसका बेड़ा पार हो जाया करता है। परमानंद जी बेनीवाल साक्षी है। राजकुमार जी बड़े देख रहे हैं जी आप बेनीवाल हो, इनके दादाजी की बात है। परमानंद जी बहनी बात लिखते हैं तन मैला निर्मल हुए नहाओ निर्मल नीर, तन मैला हो जाए बाबा साफ जल में स्नान कर साफ हो जाएगा, तन मैला निर्मल हुए नहाओ निर्मल नीर, लेकिन मन मैला निर्मल हुए नाम सूर, मन निर्मल हुए ज्ञान नाम निर्मल जीव शरीर। अगर मन मैला हो जाए तो पानी में नहाने से साफ नहीं होगा। तन मैला निर्मल हुए नाओ निर्मल नीर और मन मैला निर्मल हुए ज्ञान सूर, तो आप सत्संग में जाओ, आप सत्संग सुनेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे, आप सिमरण करेंगे, इन तीनों से मन पवित्र होगा। नाम से जीव शरीर और नाम लेने से पूरा शरीर पवित्र हो जाता है। जामवाणी साहित्य में तीन उद्धव जी हुए, उद्धव जी ने उद्धव जी अतली उद्धव और उद्धव जी अडिंग, सारे महापुरुषों की बड़ी दिव्य वाणी है।
लेकिन उधर जी अधिक ने कहा जगे कि आव जाव उठ बैठ, आव जाव उठ बैठ, ठंडी बाजे बुकरे भजियो नहीं भगवान होता चाकरी में चुकरे। केवल आव भाव में नहीं परमात्मा का भजन भी, केवल सुख साधन नहीं परमात्मा का भजन भी। और मैं रात में कह रहा था भूत जी साहब के जागरण था मैं के भोजन और भजन ये दोनों ताप मांगते हैं। जब तक ताप नहीं होगा भोजन नहीं बनेगा, जिद नहीं होगा, और जब तक भक्ति में तपस्या नहीं होगी भजन नहीं बचेगा। तो भोजन और भजन दोनों ताप मांगते हैं। इन दोनों में जितना ताप होगा उतना श्रेष्ठ होगा। तो अपने को थोड़ा तपना भी चाहिए, थोड़ी साधना भी करनी चाहिए, थोड़ा भजन भी करना चाहिए। आओ बड़े भाव से समय क्या होगा, अब मैं क्या करूं, तीन बज गए मुझे अभी गौ मान कथा बहुत कहने, फिर कभी अगले साल के लिए, उससे अगले साल के लिए और बात करें। मेरी गौशाला में बहुत ही ज्यादा मेरा योगदान करते हैं। अरे मैंने आपको तोड़ी बोली है ना, एक ट्रक तोड़ी बोली, तो वो हमारे सरपंच साहब खड़े होने, इनके घर से आएगी वो तोड़ी, ताले बजा के स्वागत करेंगे। ये गौशाला में आपको जब भी कहोगे, लेकिन वो जल्दी उठानी है तोड़ी, आगे बहुत काम है उनके लिए, ठीक है, जब इनकी इच्छा हो। बहुत धन्यवाद है। मैं तो जो कोई पैसे बोलता हूँ कथा मंच के माध्यम से, मैंने कल 1,00,000 रुपए बोले तो कोई गिल वाला से फोन आया था, जो पैसे आपने बोले वो हम देंगे, हम आपको पहुंचा देंगे, वो देंगे अगली गौशाला में देंगे। ऐसे ही अपना चलता रहता है इधर से इधर। चलिए फिर आप इस कोर्ट पर क्या लागे मेरा, तो घर से हम जाने कहा महाराज जी मेरे ससुराल है जंडवाले में, अब मैं बोलता नहीं हूँ वहां, मैंने बोलने के लिए बोलने का ठेका मेरे पास छोड़ दो, आप तो मेरे कान में कह दो। बोले आपसे कभी आज तक कुछ कहा नहीं, तो मैंने सोचा चलो बहुत नहीं, तो मैंने 51,000 रुपए का निवेदन किया था, आज वो 51,000 रुपए आप लेकर आए हैं। जो टाइम के साथ स्वागत करें घर श्याम जी साहब का, बहुत धन्यवाद। मेरा गांव है गौशाला के लिए जितना हो सके, और हमारे श्रद्धे राम कुमार जी जो एक पुलिस अधिकारी है हमारे निर्मला बहन जी के डिपार्टमेंट के हैं, तो अच्छा लगता है। और हमारे दूसरे राम कुमार सरपंच साहब, इन्होंने भी ये 5,100 रुपए गौ माँ के लिए दिए, जोड़कर ताली के साथ आप इनको भी तो देंगे, बहुत धन्यवाद है। बस माता थोड़ी देर उठ के, मैं जाना 3 बजते ही, मैं जल्दी कार्यक्रम निपटा दूंगा, तो मैं अब निवेदन करूंगा मैं और दानदाताओं की। आप बैठे रहोगे ना तो गौशाला कैसे आते रहेंगे। राजमान परम सरदे स्वामी राजनानंद जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके आदेश अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए हमारे बीच में पहुंचे हुए बहन निर्मला जी जो हनुमानगढ़ में अतिथि महानिदेशक है, और साथ ही साथ समाज के गौरव माननीय श्री लालू राम जी जो गुड़ा बनाने के लोकप्रिय विधायक है और राजस्थान सरकार में मंत्री है, उनकी सुपुत्री है, तो हम जोरदार तालियों से एक बार उनका पुनः स्वागत करते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने वाणी से हमें अनुभूत करने की कृपा करें। बहन निर्मला जी बोलिए, गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सर्वप्रथम मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में सादर वंदना करती हूँ। परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्र जी महाराज की, संत समुदाय की, और जंडवाला विष्णुयान की, समस्त प्रबुद्ध जन मातृशक्ति सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ पर निमंत्रण देकर के आप सभी से रूबरू होने का, और राजेंद्र नंद जी महाराज के प्रवचनों से लाभान्वित होने का अवसर दिया। मुझे आपने यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी लोगों से एक ही निवेदन है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है, इस जन्म की सार्थकता तभी है जब हम जिस कुल में जन्म ले चुके हैं
उसके नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार, समाज और देश के कुछ काम आ सके। ऐसा काम करें ताकि समाज का और परिवार का नाम ऊंचा हो। मेरा मातृशक्ति से निवेदन है, चूंकि जो भी समाज में जन्म लेता है, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, माता के द्वारा ही उसे जन्म दिया जाता है। प्रारंभिक वर्षों में 5 वर्षों तक कम से कम वह पुत्र या पुत्री माँ के पास ही रहता है। उसके द्वारा जो संस्कार बच्चे को दिए जाएंगे, वही संस्कार आगे जाकर समाज का और देश का निर्माण करेगा। क्योंकि हमारे गुरुजन हमें समय समय पर कथाओं के माध्यम से जागृति लाते हैं, तो उस जागृति को अपने जीवन में अपने बच्चों में संस्कारित करें, ताकि एक सशक्त देश का निर्माण करने में हमारा योगदान हो सके। इसके अलावा मेरा समाज से यही निवेदन है कि 29 धर्म में जो हमें नियम दिए गए हैं, वे नियम हमारे आचार और व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। गुरु महाराज ने आज से 550 वर्ष पूर्व इस स्थिति को भांपते हुए हमें आचार संहिता में बांधा है। इसके अलावा पर्यावरण और प्रकृति से जो विपदा आने वाली 500 वर्षों पूर्व ही उन्होंने भांप लिया था, तो हमारा ये महत्व कर्तव्य बन जाता है कि हम उन 29 धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपने समाज का योगदान अन्य समाज में भी दें और अपने समाज को भी सशक्त करने में बनाएं। शिक्षा हमारा सबसे बड़ा आगे बढ़ने का एक माध्यम है, तो अपने पुत्र और पुत्रियों को बराबर मात्रा में शिक्षित करें और पुत्रियों को, मेरा ये निवेदन है, पुत्रियों को अधिक शिक्षित बनाएं, ताकि वे आपके परिवार को और आगे जहां भी आप उसे भेजें उस परिवार को भी वे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। मुझे आपने यहाँ बुलाया, मैं सबसे ज़्यादा गुरु जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे याद किया और आप सभी लोगों के सामने खड़ा होकर के कुछ बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे बहन निर्मला जी के उद्गार। मैं कई बार कहता हूँ, हमारे देश में 3 पालिकाएं हैं। सबसे पहले शिक्षा पालिका है, फिर कार्यपालिका है और फिर न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में जाने के लिए शिक्षा पालिका से गुजरना पड़ता है। तो अपने शिक्षा के स्तंभ को अधिक से अधिक मजबूत करें। बस इतना ही मैं नई तरफ से कहूंगा, समय अभाव है और वहां तो जमा हो ही रहा है, तो मैं भाव से आप सभी के लिए, जिन लोगों ने गौ माता के लिए कुछ अंशदान दिया है, तो मैं उनसे कुछ, जो लोग आज का दे पाए हैं, अब तो कल का कार्यक्रम हमारा शेष है, और कल का मुख्य कार्यक्रम है, अगर तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही हो तो ढूंढ लीजिए, कल थोड़ा और स्वामी दर्शन में कह रहे थे। तो सब लोग प्रार्थना कर सकता हूँ गौ माँ के लिए। धन्यवाद भाई, 200 रुपए ओम प्रकाश जी टेलर, वाह वाह, चौटाला से बता रहे, धन्यवाद देंगे। देखो टेलर अगर फिर भी गौ माँ के प्रति इतनी आस्था है, हमारे 2 लाख रुपए के बराबर है आपके, 500 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए राम स्वरूप जी, सनोप श्री रती राम जी कुहार, 2100 रुपए गुप्तदान, 5000 रुपए राम स्वरूप सनोप श्री रामचंद्र जी करवासा, 5100 रुपए संतलाल सरपंच सनोप श्री पूरा राम जी, 1100 रुपए देवीलाल सनोप श्री राम राण जी कुहार, 1100 रुपए श्री हनुमान सनोप श्री वीरपुर जी, 200 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए पृथ्वीराज जी गोदारा, 100 रुपए सरस्वती देवी, 200 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए ओम प्रकाश सनोप श्री ब्रजलाल जी धानिया, 1100 रुपए विनोद कुमार सनोप श्री सिद्ध जी सहारा, 1100 रुपए दयालाल सनोप श्री राम स्वरूप सिंह, 2100 रुपए राम निवास मानो हरिपुरा पंजाब, 1100 रुपए परवारी लाल सनोप श्री ब्रजलाल जी सहारा,
1100 रुपए रामचंद्र समूह श्री मणिपुर जी गोदाना, 1000 रुपए महावीर समूह श्री ओम प्रकाश जी थापर साउंड सर्विस मटिली, 1100 रुपए पुस्तकान, 5100 रुपए डॉक्टर चौधरी जी गिल्ला तालियों का के स्वागत करेंगे, 2200 रुपए पुस्तकान, 500 रुपए रमेश समूह श्री राजा राम जी काड़ा, 500 रुपए से चेत कुमार समूह श्री मंगलाराम सिंह, 5100 रुपए शोकर थापा सरपंच गोपीराम सरण केशव वाली धानी गंगा, 500 रुपए जीतराम स्वरूप श्री पाली राम जी बेनीवाल धानी, 200 रुपए कृष्ण स्वरूप श्री मणि राम जी भट्टरवार, 501 रुपए हनुमान स्वरूप श्री हजरतराम जी किचन, 500 रुपए सतपाल स्वरूप श्री रामेश्वर जी रामेश्वर सीकर, 500 रुपए विनोद स्वरूप श्री हनुमान जी सीकर, 2100 रुपए रामलाल गोदारा, 500 रुपए गुप्तदान, 5100 रुपए श्री राधा कृष्ण गौशाला बकरिया वाली, 1100 रुपए गिरधर गोपाल गौशाला भिंकानिया, 2100 रुपए लखीश्वरी भाई को पृथ्वी मंजान जी गोदारा, 100 रुपए राम कुमार सोया अबूब शहर। रो माता अबूब शहर में जो पावन गौशाला है उस गौशाला में 8 मार्च से श्री धेनु मानस कथा का आरंभ होगा। आप सब भी पूरी संस्था की तरफ से मेरी तरफ से सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका निमंत्रण स्वीकार है। धन्यवाद। अमूल्य समय निकालकर हमारे यहाँ पहुंचे हैं, उनका सम्मान करना हमारी एक जिम्मेदारी भी है, एक हमारा कर्तव्य भी बनता है। इसी कड़ी को मैं सबसे पहले आरंभ करते हुए चौधरी साहिब राम जी गोदारा, श्री भूप सिंह जी सीकर, श्री सुधीर कुमार जी प्रधान, तीनों से मैं निवेदन करूंगा और श्री विश्वामित्र जी सीकर कृपया चारों बोलो गौ माता की जय, तालियों के साथ। आप हरियाणा गोशाला संघ के सचिव हैं, हम आपका यहाँ पहुँचने के हार्दिक स्वागत तालियों से एक बार इनका स्वागत किया जाए, स्टेज पे बता रहे और आई गतिविधियों के सम्मान करने में हमारा सहयोग करें। इस बैग बैग में क्या बैग मुझे दे दो। धन्यवाद विश्वास जी, अब मैं कुमार जी का स्वागत किया जाए, उसके बाद मैं श्री भूप सिंह जी कस्बा से निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया स्टेज पे पहुंचे, माननीय भूप सिंह तालियों से उनका स्वागत किया जाए। अब मैं श्री हनुमान जी पटवारी जोरदार स्वागत तालियों से हनुमान जी का। अब स्वागत गौशाला के जितने लोगों के जितना दिंगठानिया से सम्मान की स्थिति में दिंगठानिया से श्री धर्मपाल जी दीनदयाल जी पूर्व सरपंच सुखेड़ा से निवेदन की वो भी स्टेज पे पहुंचे। अब मैं सुधीर अतिथि विशिष्ट अतिथि श्री घनश्याम जी का स्वागत करें, स्वागत करते हैं, तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ससुराल के गौशाला में आके अपना योगदान दिया है, उसके लिए वो वाकई बधाई के पात्र हैं। गौ माता की सेवा करने में तत्पर रहते हैं, उनके इस महान कार्य के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति नंबरदार जो भारूगढ़ा से पहुंचे हैं, कृपया वो भी स्टेज पे पहुंचे और हमारे तरफ से सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। इनके लिए ताले बजाएं, भारू खड़ा सा बता रहे हैं गौ माँ के लिए क्यों से होगा आपका। अब मैं गौशाला के हमारे गांव के धन्यवाद साहब, आप इतनी दूर से पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी राजेश स्वरूप मनफूल सिंह, विष्णु स्वरूप राम कुमार जत्तरवाल, पवन कुमार स्वरूप बनवारीलाल सिंह, रवि कुमार स्वरूप इकबाल जत्तरवाल, महेंद्र स्वरूप जगदीश थापन, प्रवीण स्वरूप बनवारीलाल थापन, अमित स्वरूप राम कुमार सिंह, भजनलाल
डॉक्टर सुभाष राम स्वरूप सीकर। इसके अलावा भी अगर कोई युवा जो रह गया है तो कृपया वो भी स्टेज पे पहुंचे और मैं बैंक निर्मल से निवेदन करूंगा कि वो भी इन युवाओं को सम्मान करने में गुरुवार महाराज जी के साथ रहे, क्योंकि ये समाज के बड़े होनहार हुआ है और जो बड़े तन मन धन से लोगों की सेवा करते हैं। इस कड़ी में जो भी हुआ है कृपया मेरा नाम जरा रह गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वो स्टेज पे आए और गुरु जी से और बहन निर्मला जी से सम्मान लेने की कष्ट करें। सेवा में व्यस्त रहते हैं और दूसरे साथी भी कई गांवों की सेवा में व्यस्त होंगे तो उनका गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से उनका हमेशा सम्मान पार्टी की तैयारी के लिए और कोई गलती से किसी का रह गया तो उनके लिए हम कल सम्मान करेंगे। सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारम नमो नमामि सहितम नमामि नीलाम भुजश्याम अल्पो बलानम सीता जोजावे बलधावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत घर आवे प्रभु जी हमारे घर आवे सब है तेरा स्वामी सब कुछ
अंतरिक्ष मन शांति पृथ्वी शांति राधा शांति रोग दया शांति वासुदेव विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूमि शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेव शांति शांति शांति। मैं बहन निर्मला जी से निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार स्टेज पे पहुंचे और हमारे गांव की बेटी हमारे लिए सम्मान की बात। धन्यवाद।